हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ दोबारा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरा नाम रुचि है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से इंग्लिश एक लैंग्वेज होने के बावजूद जो कि लोगों को जोड़ने के लिए बनाई जाती है, किस तरीके से लोगों को डिवाइड करती है, लोगों को तोड़ती है, लोगों का कॉन्फिडेंस भी शैटर करती है और किस तरीके से हमें उस चीज़ से अपने आप को उठाना है, ओवरकम करना है उस सिचुएशन से अपने आप को। अगर आप मैं अपनी कहानी बताती हूँ आपको, तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी क्लास 10 तक। अब वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पे फोकस था बट स्पोकन इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं था। अब उसमें स्कूल की कोई गलती नहीं थी, एजुकेशन पॉलिसीज ऐसी हैं कि हमें रीडिंग पे फोकस करने पे ज़्यादा नहीं होता है। लाइब्रेरी होती हैं, हम बुक्स जाके पढ़ते हैं बट इस बात पे फोकस नहीं है कि हम उस बुक से जो वोकैबुलरी हम सीख रहे हैं, जो वर्ड सीख रहे हैं, वो हम कितना अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो तो आपका पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस। खैर, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी बट उसके बाद 11th 12th में मेरा एडमिशन एक कॉन्वेंट स्कूल में हुआ। अब कॉन्वेंट स्कूल में आप सोच के देखिए कि जो लड़कियाँ वहाँ पे बचपन से इंग्लिश में बोल रही हैं वो किस तरीके से ग्रूम्ड होंगी इंग्लिश में। उनके लिए लैंग्वेज एक लैंग्वेज नहीं थी, उनके लिए वो एक कल्चर बन गया था और सडनली मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ पे अडेप्ट करना। बट किस तरीके से अडेप्ट किया, एडजस्ट करना तो हमको सबको आता है। खैर, बट फिर उसके बाद जब अच्छे नंबर आ गए क्लास 12th में, उसके बाद फिर एक स्ट्रगल शुरू हुई। अब जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, अगर आप CA कर रहे हो, इन सब एग्जाम्स में इंग्लिश इतना मैटर नहीं करती है। तो अगर आप MBA की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हो, तब फिर इंग्लिश एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाती है। आपको IELTS और TOEFL टाइप के एग्जाम देने पड़ते हैं जिसमें ये रिक्वायरमेंट होता है कि भाई आपको तो बहुत ही अच्छे नंबर लाने हैं। एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो इंग्लिश कंट्री में रहने वाला इंसान है, शायद उसकी भी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होती होगी जितना कि हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ये एग्जाम्स दे रहे हैं कि उनको तो भाई फाड़ इंग्लिश आनी चाहिए। मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि ऐसा रिक्वायरमेंट इस वजह से बनाया गया है कि उनको एंटर नहीं करने देना है जिसको इंग्लिश अच्छी बोलनी नहीं आती, या फिर इस बात पे फोकस है कि इतनी अच्छी इंग्लिश आना चाहिए कि शायद हमारी कंट्री वाले भी दुखी हो जाए उनसे। मुझे नहीं पता। खैर, पर पॉइंट ये है कि इंग्लिश लोगों को जोड़ने के लिए बनी है। कोई भी लैंग्वेज का बनाने का रीज़न ये होता है कि उस इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू आप किसी से कम्युनिकेट कर सको, आप किसी की बात समझ सको, कोई आपकी बात समझ सके। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी किसी भी लैंग्वेज के साथ होती है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको कनेक्शंस दे सके। सो इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है इस टाइम पे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट। और इसका रीज़न ये है कि जो उन कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और हम जैसे लोग जो इंग्लिश सीखते हैं और बोलते हैं, इसकी वजह से इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है वर्ल्ड में। और इस वजह से ये हम लोगों को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती है, तो इस वजह से इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे लोगों को लगने लगता है कि अगर हमें इंग्लिश आ गई है तो हम किसी का मजाक उड़ा सकते हैं, हम किसी को नीचा दिखा सकते हैं। अगर मैं अपनी जॉब का एक छोटा सा इंस्टेंस आपको बताऊँ, शेयर करूँ, तो मैं जब एक कॉल सेंटर कंपनी में मैंने सबसे पहला अपना जॉब किया, वहाँ पे इस बात का सबसे पहला मजाक उड़ाया गया कि जो कछुआ वर्ड होता है, कछुए को इंग्लिश में टॉर्टोइज बोलते हैं, बट वहाँ पे मेरे को सुपरवाइजर ने बोला तुम्हें कुछ नहीं आता क्योंकि टॉर्टोइज नहीं होता, टॉर्टिस होता है। अरे, पॉइंट ये है कि इंग्लिश को बोलने का तरीका अलग हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मेरी गलत थी। मेरे को बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, ये अमेरिकन डायलेक्ट है मेरी, तो मैं सीख जाऊंगी। और हम जिंदगी भर सीखते हैं कोई भी लैंग्वेज हो। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आप आज रात को पढ़ो उस लैंग्वेज को और अगले दिन आप उसका नो ऐसा एग्जाम दे आओ कि आप बाहर यूनिवर्सिटी में चले जाओ। ऐसा नहीं होता है। किसी भी लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, चाहे आप अपनी इंडियन लैंग्वेजेस को भी सीख रहे हो, उसको भी सीखने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लगातार बोलना पड़ता है।
बट कभी कभी इस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, कि लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो कहाँ से उठ के आ गया इंसान, जिसकी वजह से इंसान का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। और ये जॉब्स में नहीं होता, ये हर लेवल पे होता है। और ऐसे कितने लोगों को आप देखोगे जो कि ढूंढ रहे हैं कि इंग्लिश में अच्छा बोलना कैसे सीख जाऊं। बट जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आप गलत भी बोल रहे हो इंग्लिश में, अगर आप सीखना शुरू कर रहे हो, पर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप बोलोगे नहीं वो लैंग्वेज, और जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी नहीं। तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको थकना नहीं है, उन लोगों की नहीं सुनना है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को शायद लगता है कि वो परफेक्ट है, जबकि लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है या कोई ऐसा इंसान नहीं जो किसी लैंग्वेज में परफेक्ट हो। एक लैंग्वेज में लाखों बिलियंस ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। क्या एक इंसान को इतने सारे वर्ड्स का प्रोनंसिएशन आ सकता है? इज इट इवन पॉसिबल? तो अब अपने आप से आप पूछिए, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा मैटर करता है या फिर ये चीज ज्यादा मैटर करती है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं? जिस दिन आप ये अपने अंदर आंसर कर लोगे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज आपके लिए मैटर करती है, उस दिन आपको शर्म आना बंद हो जाएगी। आप बिंदास बोलोगे, जो बोलना चाहोगे आप वो बोलोगे। सो इस बात से मैं अपना वीडियो आज एंड करती हूँ, और ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप अपनी सिचुएशन का बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मुझे इस बात का पूरी तरीके से यकीन है। क्या आपको यकीन है?